गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, काफी क्वेश्चन भी हमने समझे। तो आज अपन चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। ठीक है बच्चों, तो विभव को समझेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैंने लिया है, स्थिर विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों विभवांतर को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? विभवांतर को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम विभव को समझेंगे। ठीक है, तो देखो विभवांतर को समझने के लिए मैंने क्या माना कि मेरे पास कोई चार्ज है बच्चों Q, कोई मेरे पास Q आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? E। ये जो E विद्युत क्षेत्र है वो किसका है? Q आवेश का है। भाई Q आवेश के चारों ओर क्या होगा? क्षेत्र होगा। इस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो मैंने क्या मान लिया? E। क्लियर है? अब बच्चों मैंने क्या करा, किसी परीक्षण आवेश की कल्पना करी Q नॉट की। तो ये मेरा कौन सा आवेश है? टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। अब मान लो अगर इसमें इसकी कल्पना करूं कि Q नॉट चार्ज है तो इन दोनों के मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस Q नॉट जो कि पॉजिटिव है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो इस Q नॉट पर इस Q आवेश के कारण कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। यानी ये पास आएगा, दूर जाएगा। आप बिल्कुल कहोगे ये दूर जाएगा, यानी इस क्षेत्र की दिशा में जाएगा। तो हमें यहां पर कोई बाह्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो एक्सटर्नल वर्क है, जो बाह्य सप्लाई के द्वारा, बाह्य एजेंसी के द्वारा, हमें यहां कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कब? जब ये इससे दूर जा रहा है, यानी वो सिस्टम ने कार्य कर दिया। क्योंकि इनका नेचर है दोनों पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण बल से इनके बीच रिपल्सन हुआ, देन इट विल गो फॉरवर्ड। क्यू नॉट आवेश हमारा क्यू से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। अब इसका उल्टा सोचें कि अगर मान लो मुझे इस क्यू नॉट आवेश को सपोज करो ए पॉइंट, इसे मान लू मैं और इसे बी पॉइंट मान लू, मतलब इस क्यू नॉट आवेश को मुझे ऐसे लेके चलना है, किसी भी पॉइंट पर है मान लो ये, तो इस क्यू नॉट आवेश को मुझे मान लो इस क्यू की तरफ लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। सपोज करो क्यू नॉट आवेश को मुझे ए से बी तक लेके आना है, ए से कहां पे लेके आना है? बी तक लेके आना है, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। इस क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से, बिंदु कहीं भी हम पॉइंट मान सकते हैं, क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में, बी तक लाने में हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा भाई? कार्य करना पड़ेगा। ए से बी तक लाने में वी हैव टू डन वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो हमें कार्य करना पड़ता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज करो मुझे कार्य करना पड़ा W, मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि कहां से कहां ला रहे हो भाई? A से लेकर B लेके आ रहे हो कार्य। Q नॉट आवेश को, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में हम कहां से ला रहे हैं? A पॉइंट से B पॉइंट तक। तो मैंने माना मुझे इतना कार्य करना पड़ा, ला किसको रहे? Q नॉट को ला रहे। तो मतलब ये जो अनुपात है कि वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज ऐसे भी बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ वर्क एंड चार्ज ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो कार्य और आवेश का अनुपात है, कार्य हमने कहां से क्या करा? ए से बी पॉइंट के मध्य करा। तो ये जो अनुपात होगा इसी को मैं बोल दूंगा बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य विभवांतर। तो कहने का मतलब ये हुआ
ला कहां से रहे हैं? बिंदु ए से कहां तक ला रहे हैं? बी तक, तो वी बी माइनस वी ए। ये दोनों बिंदुओं के मध्य क्या होता है? विभवांतर होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पढ़ेंगे अपन। जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके पास वाले पॉइंट पर विभव ज्यादा होता है, ये हाई वोल्टेज वाला पॉइंट हो जाएगा, और इसे दूर वाले पॉइंट पर विभव क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से पास हाई वोल्टेज और इससे दूर क्या होगा? लो। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसे पास वाले पॉइंट पर लो वोल्टेज हो जाता और दूर वाले पॉइंट पर क्या हो जाता? हाई वोल्टेज हो जाता। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव की, ठीक है। तो पास वाला पॉइंट हाई है और दूर वाला पॉइंट क्या है? लो। तो जब आपको अंतर निकालना है तो हाई में से लो को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो बिंदु ये वीबी क्या हुआ? वीबी का मतलब हुआ बी पर विभव। क्लियर? वीबी का मतलब क्या हुआ? बिंदु बी पर विभव। और ए का मतलब, बी ए का मतलब क्या हुआ? ए पर विभव। क्लियर है? पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभव का अंतर। तो कहने का मतलब, विद्युत विभवांतर की जो परिभाषा निकल के आई, इसकी जो डेफिनेशन हमें समझ में आई, वो क्या आई? इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, या हम दो पॉइंट कौन से ले रहे हैं? ए और बी। तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है, या विद्युत विभवांतर बोल दें, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विद्युत विभवांतर है, वो उन दो बिंदुओं के मध्य आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और जिस आवेश को अपन ला रहे हैं उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो क्या परिभाषा बनी? कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत विभवांतर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विभवांतर, समझ गए ना? लिखो इसको मैं, चलो लिख देता हूं आपके स्वास्थ्य के लिए। देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को हम परीक्षण आवेश क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि इसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता, यानी ये वाला चार्ज इस वाले जो हमारा सोर्स है, जो स्रोत है, उसके विद्युत क्षेत्र को इंपैक्ट नहीं करता, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। तो क्या डेफिनेशन मैंने विभवांतर की? कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं उस परीक्षण आवेश जिसको अपन लेके आ रहे हैं, एवं उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ये हो गई विद्युत विभवांतर की परिभाषा। तो आप समझ गए हैं कि हम ए से लेकर बी तक लेके आए
तो देन वी हैव टू डू वर्क, हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहां किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, क्योंकि ये वाला जो आवेश है वो इस आवेश पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, एक प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, क्योंकि वो इसको ऐसे ले जा रहे हैं, हम इसको ऐसे लेके आ रहे हैं। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि हम किया गया कार्य, तो यहां क्लियर है कि हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहे हैं। तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो कार्य ऑटोमेटिक हो जाएगा, सिस्टम ही कर देगा। देन वी हैव टू परफॉर्म वर्क, तो हमें इसको लाना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत यानी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो हम कार्य करेंगे और जिस आवेश को अपन लेके आ रहे हैं उसका अनुपात क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्लियर है? तो कार्य बटा आवेश क्या हो गया, विभवांतर। कार्य बटा आवेश जूल पर कूलाम क्या हो गया, विभवांतर हो गया। क्लियर है? अब देखिए, ये भी आप ध्यान रखें, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास वाले पॉइंट पर हाई वोल्टेज होगा और दूर वाले पॉइंट पर लो वोल्टेज होगा। क्लियर? और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पास वाले पॉइंट पर लो वोल्टेज हो जाएगा और दूर वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज। ठीक है? क्योंकि जब आप डिफरेंस लोगे देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट लो वोल्टेज फ्रॉम हाई वोल्टेज। तो ये हो गया विद्युत विभवांतर। ठीक है? अब देखिए, तो यहां पर बच्चों बताओ हम पॉइंट कहां से ला रहे थे, इस पॉइंट से ला रहे थे, ए से ला रहे थे, कहां तक ला रहे हैं, बी तक ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, बी तक। तो अब इसी से हमने डेफिनेशन बना दी विद्युत विभव की, विद्युत विभव की परिभाषा क्या बनेगी, यदि जो प्रारंभिक बिंदु है जहां से आप लेके आते हो, यदि परीक्षण आवेश को, यदि परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाए, अनंत से, यानी हमारा ए वाला जो पॉइंट है वो कहां पर हो भाई, अनंत पर हो। यदि परीक्षण आवेश को अनंत से लाया जाए तो देखो बच्चों, इस को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या हुआ कि वी बी माइनस वी अनंत, ए वाला पॉइंट कहां पर है, अनंत पर। तो डब्ल्यू ए टू बी कहां से ला रहे हैं, अनंत से, कहां तक ला रहे हैं, बी पॉइंट तक, किसको ला रहे हैं, क्यू नॉट को। तो बच्चों अनंत पर जो विभव होता है वो जीरो होता है, अनंत पर हम विभव को क्या लेके चलते हैं, जीरो। वी चूज द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। ठीक है? अनंत पर विभव क्या होता है, जीरो। तो ये बी भी बचेगा केवल, तो डब्ल्यू अनंत से लेकर बी पॉइंट पे ला रहे हो तो किसको ला रहे हो, क्यू नॉट को। तो बच्चों ये हो गया विभव, ये क्या हो गया, विभव की परिभाषा कि बिंदु बी पर विभव परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो विभव की परिभाषा क्या बनेगी, देखो विभव की डेफिनेशन क्या बनी कि अनंत से परीक्षण आवेश को अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया किए गए कार्य एवं उस परीक्षण आवेश का अनुपात को
क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत विभव कहते हैं। उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है? तो विभवांतर में तो क्या हुआ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ रहे हैं, और विभव में क्या हुआ, कहां से लेके आएंगे, अनंत से लेके आएंगे। तो कार्य और उस आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, जिस पॉइंट पे आप लेके आ रहे हो वो कहलाता है विद्युत विभव। क्लियर है? तो हमारे पास दो इक्वेशन यहां पे आ जाती हैं। देखिए तो क्या डेफिनेशन आई, इक्वेशन हमारे पास क्या आई कि विद्युत विभवांतर ठीक है, तो हम ला रहे थे कहां से, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कहां से कहां ला रहे हो, ए टू बी, किसको ला रहे हो, क्यू नॉट को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विद्युत विभवांतर। तो और विभव की बात करें, अगर हम विद्युत विभव की बात करें तो देन बी पॉइंट पे ला रहे हैं, कहां से, अनंत से ला रहे हैं, तो क्या बन गया कि भाई अनंत से ला रहे हो, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, किसको ला रहे हो, क्यू नॉट को। इक्वेशन नंबर टू, ये आप ध्यान रखें, ये इक्वेशन हमारे पास या फॉर्मूला हमारे पास आ गया, कार्य बटा आवेश। इसको थोड़ा अपन और सरल करें, देखो यदि क्यू नोट हम क्या मानते हैं, एकांक धनावेश, तो समीकरण एक से जो विभवांतर होगा दो बिंदुओं के मध्य वो कार्य हो गया, ठीक है, क्यू नॉट क्या हो गया, प्लस वन। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसको ला रहे हैं, एकांक धनावेश को। तो इस डेफिनेशन को अपने और सरल बना दिया, तो बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं कि एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। और समीकरण दो से देखो, समीकरण दो से बी पॉइंट पे ला रहे हैं, क्योंकि तो अनंत पर विभव क्या होता है, जीरो, अनंत पर विभव क्या होता है, जीरो, ये हो जाएगा डब्ल्यू, कहां से ला रहे हो, अनंत से बी पॉइंट पर। तो क्या डेफिनेशन बनी कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ला रहे हैं उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, जहां पे लेके आते हैं उस पर होता है विभव, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत विभव और विभवांतर। तो बच्चों आगे बात समझ में, तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और विद्युत विभव क्या होता है कि अब आवेश को आपको कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका मात्रा बोर्ड देखें, तो विभव या विभवांतर का मात्रक एक ही बात है, विभव बोल दे या क्या बोल दे, विभवांतर, क्योंकि दोनों के सेम ही मात्रक होंगे, कार्य बटा आवेश। विभव या विभवांतर का मात्रक देखो मैं, आपको पता है विभव या विभवांतर, यानी मैंने पढ़ा था वी बी माइनस वी ए, ये बड़ा बनने क्या था, डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। देखो बच्चों कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल,
कार्य का एसआई मात्रक क्या हो गया? जूल। और आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? विभव या विभवांतर का जूल पर कूलाम। विभव या विभवांतर का जो एसआई मात्रक है, जो एमकेएस मात्रक है, वो क्या हो गया? जूल पर कूलाम। कार्य हो गया जूल में और आवेश हो गया कूलाम में, जूल पर कूलाम। और बच्चों इसी को बोलते हैं वोल्ट। वी से शो करेंगे। जूल पर कूलाम को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि एक वोल्ट बराबर एक जूल बटा एक कूलाम। एक वोल्ट बराबर क्या हो गया? एक जूल बटा एक कूलाम। ठीक है, एक वोल्ट बराबर एक जूल बटा एक कूलाम। तो यहां से आप एक वोल्ट की परिभाषा भी देख सकते हो। एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट। एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? यदि एक कूलाम आवेश को, यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर, क्या होगा बच्चों? एक वोल्ट होगा। यदि एक कूलाम आवेश को, किसको ला रहे हैं? एक कूलाम को ला रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं। तो अगर किया गया कार्य एक जूल हो, तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा भाई? एक वोल्ट होगा। और अगर अनंत से लाओगे तो क्या हो जाएगा? विभव। तो इसका मात्रक हो गया हमारे पास एक जूल पर एक, ये जूल पर कूलाम, इसको हमने क्या बोल दिया? वोल्ट। ठीक है, सीजीएस मात्रक देखें। सीजीएस मात्रक, विभव या विभवांतर का कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक। ठीक है बच्चों, तो जूल, जूल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अर्ग में, पर कूलाम को स्टेट कूलाम में, यानी ईएसयू। अर्ग पर स्टेट कूलाम, और बच्चों इसी को बोलते हैं स्टेट वोल्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट वोल्ट। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह हुआ कि विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक तो क्या होता है? वोल्ट। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट वोल्ट। ठीक है, देन वी आर टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट, यानी वोल्ट और स्टेट वोल्ट में क्या रिलेशन होता है उसको अपन समझे। तो क्या मतलब हुआ कि एक स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू, एक स्टेट वोल्ट की बात करूं मैं तो क्या हो गया? एक अर्ग। स्टेट वोल्ट का मतलब है अर्ग पर स्टेट कूलाम, तो एक स्टेट वोल्ट का मतलब एक अर्ग पर एक स्टेट कूलाम। समझ रहे हो? एक अर्ग पर एक स्टेट कूलाम। तो इसे अपन वोल्ट में चेंज करें, तो वोल्ट में चेंज करने के लिए इसको हमें जूल बनाना पड़ेगा और स्टेट कूलाम को कूलाम बनाना पड़ेगा। तो बच्चों आपको पता है एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10^7, 10^7 अर्ग।
बच्चों एक गुलाम इज इक्वल टू 3 × 10^52 स्टेट गुलाम या ईएसी। एक गुलाम बराबर क्या होता है 3 × 10^9 ईएसयू। क्लियर है? तो इसका बच्चों मतलब यह हुआ कि हम अर्ध को जूल में और स्टेट गुलाम को किसमें चेंज कर सकते हैं, गुलाम में। तो इसका मान हम रख के देखें, देखो तो एक अर्ध यहां से क्या हो जाएगा 10^-7 जूल। क्लियर? और 1 स्टेट गुलाम इज इक्वल टू, इसको बदल लिया नीचे तो हो जाएगा 1/, समझ रहे हो, ईएसयू को चेंज कर रहे हैं गुलाम में, तो 1/ में हो जाएगा 3 × 10^9 गुलाम। क्लियर? 3 × 10^9 गुलाम। तो कहने का मतलब मेरे पास क्या आ गया कि एक स्टेट गुलाम इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया बच्चों 3 × 10^9, ये 9 है माइनस 7 कितना हो जाएगा 2 जूल पर गुलाम, जूल पर गुलाम। और जूल पर गुलाम क्या होता है, वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ एक स्टेट वोल्ट बराबर 300 × 10^2 यानी वोल्ट। तो एक स्टेट वोल्ट बराबर होता है 300 वोल्ट, या वैसे भी ध्यान रखें कि एक वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। समझ गए? तो इस तरह हम सीजीएस मात्रक स्टेट वोल्ट और ऐसा ही मात्रक वोल्ट में संबंध को भी निकाल सकते हैं कि एक वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। क्लियर है? तो ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, जूल पर गुलाम। सीजीएस मात्रक क्या हो गया, स्टेट वोल्ट और वोल्ट ऐसा ही। तो स्टेट वोल्ट और वोल्ट में क्या संबंध है कि एक वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। क्लियर? और इसका देखो अपन एक ईएमयू मात्रक लें, ये वाला जो मात्रक है वो तो कैसा है बच्चों, ईएसयू वाला मात्रक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इस आवेश का होता है ना स्टेट गुलाम। तो अगर इसका मैं ईएमयू मात्रक और लू, देखो तो कहने का मतलब हो गया ऐसा ही मात्रक तो क्या हो गया, वोल्ट। सीजीएस मात्रक क्या हो गया, स्टेट वोल्ट, ईएसयू वाला। अब मैं इसका ईएमयू मात्रक लू, ईएमयू मात्रक इसका विभव या विभवांतर का, तो विभव या विभवांतर का ईएमयू मात्रक में लेता हूं तो बच्चों उसे बोलेंगे एब वोल्ट। वो क्या हो जाएगा, एब वोल्ट। क्लियर? तो बिल्कुल अब हम गुलाम को किसमें चेंज करेंगे, एब गुलाम में। क्लियर है? तो आपको पता है यहां से लेके चलें कि अर्ग अपॉन, इसे बोलूंगा एब गुलाम, ठीक है, एब गुलाम, यानी ये हो गया एब वोल्ट का मतलब अर्ग पर एब गुलाम। क्योंकि हमें पता है कि ईएमयू भी कौन सा मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है, तो सीजीएस मात्रक एब वोल्ट जो ईएमयू वाला है, ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर? तो एब वोल्ट का मतलब क्या हो गया, अर्ग भी सीजीएस मार्ग है और स्टेट गुलाम की जगह एब गुलाम। अब इसको देखो चेंज करें, अर्ग का मतलब वही 10^-7 जूल,
अर्घ का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -7 जूल। और ऐब गुलाम, एक ऐब गुलाम में कितने गुलाम होते हैं, बिल्कुल 10 गुलाम। पता है आपको एक ऐप गुलाम में कितने गुलाम होते हैं बच्चों, 10 गुलाम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऊपर लेके चल जाए, 10 की पावर क्या हो जाएगी, -8 जूल पर गुलाम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐप वोल्ट 10 की पावर -8 जूल पर गुलाम का मतलब वोल्ट, या एक वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8 एब वोल्ट। ठीक है, तो इसके मात्रक थे एसआई मात्रक वोल्ट, सीजीएस मात्रक स्टेट वोल्ट ईएसयू वाला, और ईएमयू मात्रक एब वोल्ट। वोल्ट और स्टेट वोल्ट में संबंध, एक वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक है, और एब वोल्ट और वोल्ट में क्या संबंध है, एक वोल्ट बराबर 10 की पावर 8 एब वोल्ट। क्लियर है ना, तो ध्यान रखिए इनको पूछ लेते हैं। ठीक है, अब चलो इसके डायमेंशन और लेके चलते हैं। इसकी विमा, तो देखो बच्चों, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर की क्या विमा, डायमेंशन। तो हमें पता है विभव या विभवांतर होता है भाई कार्य बटा आवेश। क्लियर, कार्य की विमा क्या होती है, m1 l2 t-2, और आवेश की क्या हो गई, धारा गुना समय, यानी a1 t1। तो क्या विमा आ जाएगी बच्चों, m1 l2, t1 ऊपर जाएगा t-3, और ये हो गया a-1। ठीक है, तो विभव या विभवांतर की विमा क्या हो गई, m1 l2 t-3 a-1। ठीक है, तो ये हमने विमाएं पढ़ ली। क्लियर, नेक्स्ट। तो बच्चों, हमने विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा, मात्रक और विमा हमने पढ़ ली है। ठीक है, आप जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक लेके चलें, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत विभव। तो समझे इसको, सपोज करो बच्चों हमारे पास ये कोई परीक्षण आवेश है क्यू। ठीक है, और हमें इस परीक्षण आवेश से सपोज करो आर डिस्टेंस पर, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है आर, यहां कोई पॉइंट है मेरे पास पी, इस पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है।
क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, विभव। ठीक है, तो बताओ क्या करेंगे, आवेश को कहां से लाओगे, कहां से लाओगे बच्चों, अनंत से लाना पड़ेगा। तो आवेश को आपको लाना पड़ेगा अनंत से लेकर कहां तक, बिंदु पी तक। तो उसके लिए आपको पता है कि हम किसी कल्पना करेंगे, परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं। परिभाषा में पता है कि इस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो एकांक धनावेश को अनंत से लेकर कहां तक ले आओ, पी तक ले आओ। तो जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, विद्युत विभव। यानी बिंदु पी पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश यानी कौन सा, परीक्षण आवेश, एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु पी तक, कहां से लाना है भाई, अनंत से, अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। यही तो होगा, बिंदु पी पर जो विभव होगा वो एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य हमें निकालना है। हमें कार्य निकालना है कहां से कहां तक, अनंत से लेकर पी तक। तो उस कार्य को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अनंत से पी तक छोटे छोटे क्या मान लूंगा, अल्पांश मान लूंगा। तो सपोज करो उनमें से मैंने एक अल्पांश मान लिया कि मैं आवेश को ए से लेकर कहां तक ला रहा हूं, बी तक ला रहा हूं। जो मेरा परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, उसको मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ला रहा हूं और ये डिस्टेंस कितनी है, डी आर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनंत से लेकर पी तक मैं इसे डी आर अल्पांश मान लूंगा। तो पहले उस ए से लेकर बी तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे, फिर उसका हम क्या कर देंगे, समाकलन अनंत से लेकर बिंदु पी तक। तो सपोज करो मैंने मान लिया कि इस परीक्षण आवेश जो रखा हुआ ए पॉइंट पर, उसकी बिंदु क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल एक्स। ठीक है, तो क्यू से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो अगर इसको अपन लेके आएंगे तो क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा भाई, बल, वैद्युत बल लगेगा, क्योंकि इस पर इसके कारण एक प्रतिकर्षण बल लगता है। आप इसको ऐसे लेके आओगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम ए से बी तक कार्य निकाल लेते हैं। देखो, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक, यानी कितनी दूरी ला रहे हैं, डी आर। बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया अल्प कार्य, क्योंकि तो अल्पांश की बात कर रहे हैं, किया गया अल्प कार्य। तो बच्चों कार्य का जो मतलब होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी आर। एफ हो गया प्रतिकर्षण बल, जो हम यहां से इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें जो बल लगाना पड़ेगा। dW का मतलब हो गया एफ डॉट डी आर। अब देखें dW का मतलब, एफ डॉट डी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा, dW इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस। अब देखो हमें पता है कि हम इसको ऐसे लेके आ रहे हैं, ठीक है, और इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो ऐसे लगेगा, इसकी क्यू नॉट पर इसके कारण जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो कितना लगेगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ और डी आर के मध्य कितना कोण बन जाएगा, यानी यहां थीटा की बात करें तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री। ये क्यू नॉट जो है वो क्यू से एक्स दूरी पर है,
तो ये कितने प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा इसके कारण, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। और हम लेके आ रहे हैं dr दूरी पर, तो इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब थीटा क्या हो गया भाई, 180। ठीक है, तो dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, क्योंकि आपको पता है cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। ठीक है, तो dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, या मैं सीधे बात करूं आते हैं परीक्षण आवेश को कहां से लाना है भाई, अनंत से कहां तक, बिंदु टी तक। अतः परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, या किया गया कुल कार्य बोल दूं, किया गया कुल कार्य, या ये क्या हो जाएगा, विभव। पी तक लाने में किया गया कुल कार्य या बिंदु पी पर विभव, तो बच्चों क्या आएगा ये, देखो विभव को मैं क्या बोल देता हूं, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ डी आर। इसका हमने क्या कर दिया, समाकलन। अब कहां से कहां तक ला रहे हैं भाई, अनंत से ला रहे हो, बिंदु P तक ला रहे हो, बिंदु P कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, तो अनंत से लेकर कहां तक ला रहे हैं, R दूरी पर। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट, इसे अपन सॉल्व करें, तो V इज इक्वल टू अनंत से R। बच्चों F की वैल्यू कितनी है, कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है, K Q Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर, तो इसे सॉल्व करते हैं, V इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट है, Q कॉन्स्टेंट है, Q नॉट कॉन्स्टेंट है, K स्थिर विद्युत नियतांक, Q हमारा आवेश है जिसके विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, और Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया समाकलन से, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक इसका मान, अनंत से लेकर R तक। तो लेट्स सॉल्व इट, V इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट। ठीक है, तो यह समझ जाना, डी आर एक्स मतलब ऐसे नहीं कि एक्स को नियत मान लो, डी आर आप डी एक्स मान लो चाहे, तो मैंने दूरी मानी वो दूरी है, अब चाहे ऐसे मैं समझ रहा कि सर ये एक्स है ये आर है, अपन आर के साथ ही समाकलन कर रहे हैं तो इसे बाहर ले लें, नहीं दूरी है वो डी एक्स मान लो चाहे, मैंने डी आर मान लिया है तो एक्स की वैल्यू है डी आर, एक्स में तो आ रहे एक्स की, एक्स का मान है डी आर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन बच्चों क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स, कहां से कहां तक, अनंत से लेकर आर। ठीक है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाता है, माइनस वन अपॉन एक्स। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। क्लियर, तो यह n का मान क्या रख दोगे, माइनस टू, तो माइनस वन अपॉन x, तो v इज इक्वल टू किया गया कार्य हमने माना है, तो देखो परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, परीक्षण आवेश, q नॉट को लेके आ रहे हैं, तो जब ये एक हो जाएगा तो विभव हो जाएगा, तो इस अपन अभी कार्य लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपका, इस आप कार्य माने w, विभव के लिए q नॉट की वैल्यू क्या मान लेते हैं, वन, तो हम q नॉट को लेके चल रहे हैं, तो अभी मैं इसे कार्य मान रहा हूं w। ठीक है, कुल कार्य है w, क्योंकि हम q नॉट को लेके चल रहे हैं अभी, तो इसे सॉल्व करें, के क्यू क्यू नॉट माइनस बाहर है, लिमिट रखें x की जगह पहले अपर लिमिट यानी वन अपॉन आर, फिर लोअर लिमिट यानी माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, तो हमारे पास जो मान आएगा w बराबर माइनस का k q
क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पता है एक बड़ा अनंत क्या हो जाता है जीरो, तो अनंत से लेकर आर हमने इस वैल्यू रखी है, तो W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। क्लियर है? तो F का मान रखा हमने dr, k क्यू क्यू नॉट को बाहर लिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, इस माइनस 1 अपॉन एक्स को हमने बाहर लिया, मतलब माइनस को बाहर लिया, और 1 अपॉन एक्स की जगह लिमिट रखी, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफिनिटी। अब एक बड़ा अनंत तो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, तो मान हमारे पास क्या बचा माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो हम कहां से कहां आ रहे हैं, ए से लेकर बी तक लेके आ रहे हैं, तो ए पर तो हमारे पास क्या होगा लो वोल्टेज और बी पर क्या होगा हाई वोल्टेज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी, ये तो होगा ए से लेकर बी तक ला रहे तो वी बी माइनस वी ए, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के Q क्यू नॉट अपॉन स्मॉल r। कार्य और अभी Q नॉट हट जाएगा यहां से, तो W अपॉन Q नॉट, एक स्टेप यहां बढ़ा दूं मैं, एक स्टेप और देख लो इसमें, कि यहां जो हम कार्य कर रहे हैं W वो कहां से कहां कर रहे हैं, अनंत से लेकर बिंदु P तक, अनंत से लेकर बिंदु P तक। ठीक है, और Q नॉट को लाए, इस क्यू नॉट को नीचे ले गया मैं, तो ये मान कितना आ गया मेरे पास माइनस का के क्यू अपॉन आर। अनंत से लेकर बिंदु पी तक हम लेके आ रहे हैं, तो मान हमारे पास आ गया माइनस के क्यू अपॉन आर। क्लियर है? ठीक है बच्चों, और यहां भी आप ध्यान देंगे माइनस एफ डी, तो ये माइनस चल ही रहा है, एफ की वैल्यू रखी ना हमने, तो माइनस पहले से चल रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा प्लस, ये मान क्या आएगा पॉजिटिव है। क्लियर है? क्योंकि एफ के साथ आ रहा है माइनस में, तो एफ की वैल्यू ये रही के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस चल ही रहा है। ठीक है भाई, माइनस रह गया था, तो ये के क्यू अपॉन आर, तो यही बिंदु पी पर क्या हो जाएगा विभव v इज इक्वल टू कितना के क्यू अपॉन आर। तो बिंदु पी पर विद्युत विभव का मान हमारे पास कितना आ गया के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, तो dw का मान था माइनस एफ डी आर, तो माइनस एफ डी आर एफ की वैल्यू रख रहे हैं, तो माइनस भी लिख रहे हैं हमें, एफ की वैल्यू रखी, इसे सॉल्व करा तो मान आ गया kq अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो क्लियर है? अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर मान लो q पॉजिटिव होगा, q अगर मान लो पॉजिटिव होगा तो हमारा विभव भी क्या होगा भाई पॉजिटिव, और Q अगर नेगेटिव होगा तो हमारा विभव भी क्या हो जाएगा भाई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब धनात्मक आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है और ऋणात्मक आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है, यानी विद्युत विभव कैसी राशि होती है अदिश राशि होती है। तो अदिश हमें चिन्हों के साथ लेके चलते हैं, धनात्मक आवेश है तो धनात्मक विभव और ऋणात्मक आवेश होगा तो ऋणात्मक विभव। तो Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर कितना विद्युत विभव होता है KQ अपॉन स्मॉल r, और ये मान कम हो रहा है आवेश का, आवेश के साथ साथ दूरी जैसे बढ़ेगी तो V का मान क्या हो जाएगा कम, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। ठीक है, तो आज हमने विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा पढ़ी, उसका मात्रक और विभव हमने निकाली, CGS मात्रक SI मात्रक में संबंध हमने पढ़ा, EMU, ESU मात्रक हमने पढ़ा, और हमने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की भी गणना करी। तो आज के वीडियो में इतना ही,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है, थैंक यू।